हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम बेटा एलसीएम भी बोल देते हैं। एल से लोएस्ट का एल, कॉमन का सी और एम मल्टीपल, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को एलसीएम भी बोलते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। अब इसमें लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है। कॉमन का मतलब जो सभी में सांझा हो, एक जैसा हो। मल्टीपल का मतलब मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल्स में आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए मल्टीपल्स ऑफ टू निकालने हैं हमने, तो टू के मल्टीपल क्या आते हैं, यानी कि टू को वन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टू आ गया ना, तो ये मल्टीपल आ गया टू का। टू का एक और मल्टीपल निकाल दें, ये हमने वन टू थ्री फोर से टू को मल्टीप्लाई कर करके इधर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम मल्टीपल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। टू को जब हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सिक्स, टू को हमने फोर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास एट। तो ये सारे जो हमारे पास आए हैं इनको बोलते हैं मल्टीपल्स, ओके। कौन कौन से, टू फोर सिक्स एट, ठीक है, ये सारे मल्टीपल्स हैं। अगर टू फोर सिक्स एट है राजे, उनको क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स, ठीक है। और जो ये है टू क्रॉस वन, ये टू है वो टू का क्या होगा, फैक्टर, और ये वन भी टू का क्या होगा, फैक्टर। जिन दोनों की हेल्प से मल्टीपल्स बनते हैं वो हर एक चीज अपने मल्टीपल का फैक्टर होती है। जैसे ये टू भी फोर का फैक्टर है, ठीक है, ये टू और थ्री वो सिक्स के फैक्टर हैं, ठीक है, ये सारे टू और फोर वो एट के फैक्टर हैं। और अब हम फैक्टर्स के बारे में लिखे, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, टू के फैक्टर्स हैं, टू आ गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है, मल्टीपल्स के। अब फैक्टर्स टू और टू क्रॉस वन है तो इनमें से इसको भी हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, और वन को भी क्या बोलते हैं, हम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दिस वन इज इक्वल टू टू है, और टू को क्या बोलते हैं, मल्टीपल, ओके। अब हमने एक और चीज ध्यान देनी है कि एवरी मल्टीपल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। जितने भी मल्टीपल हैं वो अपने फैक्टर्स के कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। जैसे कि अब फोर है तो उसके जो फैक्टर कौन से हैं, टू एंड टू, तो आप फोर फोर है जो, उसको आप यहां रखो और टू को हमने यहां रखा, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, तो ये टू टू जा फोर होता है ना। तो देखिए कि जो मल्टीपल होता है वो अपने फैक्टर का पूरा पूरा डिविजिबल होता है, यानी कि वो उसके टेबल पे पूरा पूरा जाए। पूछा हो किसी भी नंबर के बारे में, पूछा हो क्या वो किसी और नंबर का फैक्टर है कि नहीं, तो बस आपने उन दोनों को डिवाइड करके देख लेना। इफ इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस वन, रिमाइंडर इज जीरो, देन इट इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, ओके। ये तो चलो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब हम थोड़ा सा वो करते हैं कि एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखिए एलसीएम फाइंड आउट करने के तीन मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है फाइंडिंग एलसीएम थ्रू मल्टीपल्स। हमने मल्टीपल्स के थ्रू एलसीएम कैसे फाइंड करना है, मल्टीपल्स तो मैंने अभी आपको फाइंड आउट करने सिखाए हैं ना बेटा। सबसे पहले हम फोर के मल्टीपल्स पता करते हैं, फोर वन जा फोर, ये फोर के मल्टीपल्स हैं, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा अब इधर हम फाइव के मल्टीपल्स पता करते हैं, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा ये मल्टीपल्स कहां तक फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसका आंसर ये है राजे कि जब आपने थोड़े से इधर मल्टीपल फाइंड आउट कर लेने हैं, कुछ इधर मल्टीपल फाइंड आउट कर लेने हैं, अब इन मल्टीपल्स में से आप ये देखें कि क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट हो रहा है जो दोनों में आ रहा हो। सबसे पहले देखिए यहाँ फोर आ रहा है, यहाँ फाइव, यहाँ एट आ रहा है, टेन, ट्वेल्व, ट्वेंटी, सिक्सटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर। देखिए एक ट्वेंटी एक ऐसा नंबर है, ट्वेंटी एक ऐसा नंबर है जो दोनों के मल्टीपल्स में आ रहा है, और सबसे पहले ये आ रहा है। उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास और कोई नंबर एक जैसा नहीं आ रहा, तो ये सबसे पहला मल्टीपल है जो इन दोनों में
एग्जिस्ट, सबसे पहले का मतलब सबसे छोटा, हो सकता है इसके बाद भी और मल्टीपल्स आए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर 4 7 28 है, इधर हम कुछ और निकाले, हो सकता है उसके बाद भी हमारे पास डिजिट है वो एक जैसे बने, पर 20 एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले हमें फाइंड आउट होता है जब हम 4 और 5 के मल्टीपल्स निकालते हैं। जो सबसे पहले हमें एक जैसा नंबर फाइंड आउट हो गया बेटा, उसको ही बोलते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा, क्योंकि इसके बाद वाले तो इसको देखने में भी उसकी जो नंबरिंग है वो बड़ी होगी ना, 20 से देखो 24 बड़ी हो रही है, 30 है, तो ये सबसे छोटा मल्टीपल है। कॉमन का मतलब दोनों में सांझा, मल्टीपल का मतलब देखिए ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन मल्टीपल की है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 20। ठीक है, ये है एक मेथड फाइंड आउट करने का, अगर हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है थ्रू द हेल्प ऑफ मल्टीपल्स। अब हम एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, 20, 14 एंड 15 का फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम मल्टीपल पता करेंगे। ओके, 20 को फैक्टराइज्ड करना मतलब किन दो चीजों के प्रोडक्ट में 20 को लिखा जाए, जो भी आपके दिमाग में आता है। मान लीजिए मेरे दिमाग में आ रहा है 10x2। ठीक है, अब इस 20 को 10x2 है ना, तो आप देखिए 2 को तो और ज्यादा हम ब्रेक नहीं कर सकते, बट 10 को तो कर सकते हैं ना, 10 को और क्या ब्रेक कर सकते हैं, 5x2। ठीक है, और इसको क्या हमने 2 को 2 लिख दिया, देखो 5 2 10, 10 2 20। अब क्या इस 5 को और किसी दो के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 2 को या 2 को, नहीं ना, तो ये हमारे फाइनल फैक्टर हो गए 20 के। ठीक है, 5 2 2, इन द अदर वर्ड यहां पर प्राइम नंबर आ जाने चाहिए। प्राइम नंबर क्या आते हैं, विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ओनली 1, यानी कि दूसरे नंबर में आप सीधा सा ये कह सकते हैं कि और फैक्टराइज, जैसे 10 तो और फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल फैक्टर हो गए 20 के। ऐसे ही हम 14 के निकालते हैं बेटा, 14 के क्या निकालेंगे, 7x2 ये आएंगे ना, 7x2 क्या आ गया, 14। क्या आप 7 को और कर सकते हो, क्या आप 2 को और कर सकते हो फैक्टराइज, नहीं ना, तो ये ही इसके फाइनल आ गए फैक्टर्स। ठीक है, 14 के। अब हम 15 के करते हैं, 15 के क्या आएंगे बेटा, देखिए 5x3, तो 5 को भी और फैक्टराइज नहीं कर सकते, 3 को भी नहीं कर सकते, तो ये भी इसके क्या आ गए, हमारे पास फाइनल फैक्टर्स आ गए। अब एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले तो आप यहां पे रफ में, ये रफ काम है, रफ में आपने क्या देखना है कि इन सभी में अलग अलग नंबर कौन से एग्जिस्ट हो रहे हैं। एक तो देखो 5 एग्जिस्ट हो रहा है, एक हर बार 2 आ रहा है, एक 7 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, बस यही डिजिट दिख रहे हैं ना, कोई 2 बार आ रहा है, कोई 1 बार आ रहा है। कौन कौन से नंबर हमें इन 20, 14 और 15 के फैक्टर करते वक्त दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, एक तो 5 दिखाई दे रहा है, यहां भी है यहां भी, एक क्या दिखाई दे रहा है 2, एक क्या दिखाई दे रहा है 3, एक क्या दिखाई दे रहा है 7, और तो कोई नंबर नहीं आपको दिख रहा ना इनमें, देखो 5 है, 2 है, 7 है, 3 है, और नहीं है। अब ये हमारे फैक्टर्स हैं, सॉरी ये हमारे नंबर्स हैं जो हमें इनके फैक्टराइजेशन से मिले हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि 5 ज्यादा से ज्यादा बार कितनी बार आया है, वो हमने एलसीएम में लिख देना है। 5 कितनी बार आया, देखो बेटा यहां पर भी 1 टाइम है, यहां पर तो है ही नहीं, यहां पर भी 1 बार, इसका मतलब 5 सभी में ज्यादा से ज्यादा बार 1 बार आया। अब आ जाते हैं 2 पे, 2 यहां तो है ही नहीं, यहां 1 बार है, यहां 2 बार है, तो मैक्सिमम कितनी बार आया है 2, मैक्सिमम कितनी बार आया है 2 बार, तो हमने 2 बार लिख दिया, प्रोडक्ट में लिखना है बेटा। अब 3 पे आ जाओ, 3 यहां भी है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, तो मैक्सिमम 1 बार आया है, तो इसको यहां लिख दिया हमने। ठीक है, अब 7 देखिए, 7 कितनी बार आया, देखो यहां तो है ही नहीं 7, यहां 1 टाइम है, यहां भी नहीं है, तो 1 टाइम ही एग्जिस्ट हुआ है ना, तो मतलब ये हमारा 7 यहां आ गया। अब इन सभी की हम क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 2 10, 10 2 20, ठीक है, 20 3 60, और 60 7 4 20, तो ये हमारा आ गया एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। ओके, अब हम करते हैं एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम बाय, तीसरा मेथड है हमारा एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इसमें हमने क्या करना है, टेक ऑल द नंबर्स, टेक ऑल द नंबर्स इन अ लाइन, एक लाइन में लिख लेना है बेटा इनको,
ठीक है, हमने इसको एक लाइन में लिखा है, ठीक है, ये देखिए, ये हमने एक इसको एक लाइन में लिख लिया बेटा, ये देखिए लाइन में लिख लिया। अब सबसे पहले 24, 36 एंड 40 लिख लिया। इसको एक लाइन में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, 2, यानी कि जो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, किसी और टेबल पे नहीं जाता। 3 हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, ऐसे करके ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमने सबसे पहले ऐसा नंबर सबसे छोटा यहाँ पे सोचना है खुद, जो इनमें से किसी ना किसी का फैक्टर जरूर हो, ठीक है। तो अब हम मान लीजिए कि हो सके तीनों का ही हो, नहीं है तो कम से कम एक का तो जरूर ही हो, तो हमने 2 पे यहाँ पे रखा। अब 2 को हम 24 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 2 को 24 पे डिवाइड किया, 2 यहाँ लिखा, 24 यहाँ लिखा, 2 12 24 होता है ना, आप जैसे सिंपल निकाल के देना, पहले 1 पे जाएगा फिर 2 पे जाएगा, 2 12 24 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, जो इसका आंसर होता है बेटा यहाँ लिख देते हैं। अब 2 को जब हम 36 पे डिवाइड करेंगे, आप करके देखना डिवाइड सिंपल मेथड से, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18। 2 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। अब इस लाइन का इम्पोर्टेंस खत्म, अब न्यू एग्जिस्टेंस लाइन हमारे पास कौन सी आ गई, ये। अब इसको फिर से हम एक नए छोटे से छोटे प्राइम नंबर पे डिवाइड करेंगे, जैसे 2 पे किया, 2 को 6 से डिवाइड करके जो आंसर आता है वो यहाँ लिख दीजिए, 2 को 6 से 18 से डिवाइड कीजिए, 2 9 18, 2 10 20 होता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये दोनों नंबर है, चाहे तो अब इसको 2 से ही कर लो, पर जैसे 6 और 9 है, ये दोनों 3 पे जा रहे हैं, तो मान लीजिए हमने चाहे 2 पे कर लो तो भी ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 पे करोगे तो पहले 2 डिवाइड हो जाएंगे, कोई 2 या कोई 1 पे, यहाँ पर जो नंबर है ना वो किसी ना किसी पर जरूर डिविजिबल, इसको डिविजिबल हो ये नंबर उस पे, ठीक है। अब मान लीजिए 3 को किया 6 पे, तो 3 2 6, 3 3 9, अब 10 तो नहीं जाता 3 पे, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से किस पे करते हैं, 2 पे, 2 या 3 पे मैक्सिमम इन्हीं नंबर्स पे ही होता है बेटा, 2 1 2, ठीक है, 2 और 3 पर तो नहीं जाता, तो 3 को एज इट इज लिख लेते हैं, 2 को 10 से किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम दोबारा से किस पे करेंगे, 3 पे, 1 तो 1 की तरह एज इट इज लिख लेना है, यहाँ पर 3 1 3, और 5 नहीं जाता तो 5 एज इट इज, अब एक ही नंबर हमें दिख रहा है 5, तो 1 एज इट इज, ये भी 1 एज इट इज, 5 1 5। हमने ये प्रोसेस कब तक करनी है बेटा, जब तक यहाँ तीनों की जगह क्या नहीं आ जाता, 1 1 1 नहीं आ जाता, क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा, जो यहाँ पर पूरी ये लाइन आई है ना, इन सभी की प्रोडक्ट, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, ओके। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 2 2 4 4 3 12 12 2 24 और 24 3 72 and 72 5 360, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 360 इज योर एलसीएम, ओके। तो हमने आज कितने मेथड किए बेटा, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड किया, उसके फैक्टर्स बनाने, फिर हमने डिवीजन मेथड किया, ये डिवीजन मेथड होता है बेटा, एक हमने मल्टीपल मेथड किया कि मल्टीपल की हेल्प से हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, ओके। अब इससे ही रिलेटेड आपका सारा होमवर्क होगा, आई होप आपको सारा एलसीएम का जो पूरा है वो समझ आ गया होगा, थैंक यू।